हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आईएस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजू अय्यर। आज आईएस किचन में हम बना रहे हैं तवा पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल। पहले हम पनीर को थोड़ा मैरिनेट करके लेते हैं। इसके लिए उसमें हम डालेंगे 1 कप दही, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद नींबू जूस। अभी ये सब चीज को हम अभी अच्छी तरह विस्क करके लेंगे। विस्क करके हमने बैटर को स्मूथ बना लिया है। नाउ वी विल मैरिनेट दी पनीर क्यूब्स। इसे अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि ये बैटर जो है पनीर में अच्छी तरह कोट होना चाहिए। इसको मैरिनेट करने के बाद 30 मिनट हम इसे रेस्टिंग करा के लेते हैं। उसके बाद आगे का हम प्रोसेस देखेंगे। मैरिनेटेड पनीर को कुक करके लेना है। एक तवा इसके लिए हमने चढ़ा दिया है गैस पे। उस पर हमने डाला है 1/2 टीस्पून ऑयल। इसमें अभी मैरिनेटेड पनीर को डालेंगे। अब हम पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। मैरिनेटेड पनीर जो है उसका ग्रेवी अच्छी तरह सूख गया है, पनीर भी अच्छी तरह रोस्ट हो गया है, कुक भी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अभी हम साइड में रखते हैं। अभी तवा पनीर के लिए हम ग्रेवी बना के लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हमने बटर और तेल डाल के रखा है। तेल गर्म होने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। अब तेल गर्म हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा और अजवाइन। जीरा चटकने के बाद हम उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। हमने 2 मीडियम प्याज यहाँ काट के लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कैप्सिकम। अब प्याज अच्छी तरह ब्राउन होना चाहिए, तब तक हम इसे सोटे करके लेते हैं। 1 मिनट प्याज भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। प्याज जो है अभी अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, जितना ग्रेवी के लिए लगती है उतना।
हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी। एक मीडियम साइज टमेटो को हमने प्यूरी बना के लिया है। गिव इट अ गुड मिक्स। वी विल ऐड सम किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला जो है वो पनीर डिश में बहुत अच्छा स्वाद ले आता है। अच्छी तरह मिला लीजिए। अब हम तेल छूटने तक इस मिश्रण को अच्छी तरह भून के लेंगे। ऑनियन और टमेटो का जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह भून चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं तेल भी छूटना शुरू हो गया है। आवर ग्रेवी फॉर तवा पनीर इज रेडी नाउ। इसमें हम अभी विल ऐड अ डैश ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद हम इसमें मैरिनेटेड पनीर जो है इसमें मिक्स करते हैं। मैरिनेट करके जो पनीर को हमने पका के लिया था इस मिश्रण में डालकर हल्के हाथ से इसे हम मिक्स करके लेते हैं। इस डिश को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम। गिव इट अ जेंटल मिक्स। हमारा डिश जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें कटी हुई धनिया का पत्ता और कसूरी मेथी डालकर गार्निश करके लेते हैं। दैट्स इट। आवर तवा पनीर इज रेडी टू बी डिश्ड आउट। हमने जो तवा पनीर अभी बनाया था रेस्टोरेंट स्टाइल में उसे हमने डिश आउट इस तरह किया है। बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। अगले बार और एक मज़ेदार डिश लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए दिस इज बाय फ्रॉम द हाउस ऑफ आईएस किचन।